कोरबा जिले की पोड़ी उपरोड़ा ब्लॉक के किसान जैविक खाद के माध्यम से सुगंधित धान की उत्पादन कर रहे किसानों का कहना है कि सरकार अगर हमारी मदद करे तो उन्हें और खेती करने में सहयोग मिलेगा। कृषि विभाग की मदद से पोड़ी उपरोड़ा ब्लॉक के ग्राम तानाखार के किसान जैविक खाद के माध्यम से सुगंधित धान का खेती कर रहे हैं, जिससे लगभग 150 किसान क्लस्टर के माध्यम से खेती कार्य में जुटे हुए हैं। कृषि विभाग ने समिति बनाकर सुगंधित धान की मिसाई व पैकिंग का कार्य भी किसानों से ही करवा रही है। 1 नवंबर को राज्योत्सव के दौरान किसानों ने सुगंधित धान की प्रदर्शनी की थी। समिति के अध्यक्ष ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि गांव के किसानों द्वारा जैविक खेती करने का मन बनाया गया और सभी ने मिलकर सुगंधित चावल की खेती की, साथ ही मिसाई और पैकिंग कर बाजार में विक्रय करने का भी काम शुरू कर दिया है, जिसका अच्छा प्रतिसाद भी मिला है। वही गांव के सरपंच ने भी कहा, जैविक पद्धति से सुगंधित धान की पैदावार से क्षेत्र के लोगों को लाभ मिल रहा है, इसके लिए ग्रामीण क्लस्टर के माध्यम से खेती कर रहे हैं, साथ ही आसपास के अन्य गांव के लोग भी इस खेती से जुड़ रहे हैं। कृषि विस्तार अधिकारी ने बताया कि लगभग पिछले वर्ष 15 क्विंटल के आसपास सुगंधित चावल का उत्पादन हुआ था, जिसे समिति के माध्यम से पैक कर लोगों को बेचा गया था। विभाग किसानों को प्रशिक्षण देकर सुगंधित चावल के उत्पादन में जोड़ रही है, ताकि लोगों को उर्वरक से मुक्ति मिल सके। मेरा नाम राकेश कुमार कंवर है, मैं तानाखार का सरपंच और कृषक हूँ। सरपंच जी, गांव में एक जैविक सुगंधित चावल का उत्पादन किया जा रहा है, इसके पीछे ग्रामीणों की सोच कैसे बनी कि सुगंधित चावल बनाया उगाया जाए? ये तो 2017 में कृषि विभाग के द्वारा ये मोटिवेट करके ये सब चालू किया गया, फिर सभी को प्रशिक्षण दिया गया, सबके घर में नाड़े वर्मी ये खाद बनाना और कीटनाशक बनाना सिखाया गया, और इसके माध्यम से बाहर भी ले जाया गया, कई बार रायपुर दिल्ली और राजस्थान ये सब भ्रमण करवाया गया और इनको प्रशिक्षण दिया गया किसानों को। अभी कितने किसान मिलकर इसे सुगंधित चावल उगा रहे हैं? सुगंधित तो वैसे 150 लोगों का बना है पूरा समूह, और पंजीयन हो गया है सभी लोगों का। मेरा नाम योगेंद्र कुमार फुलेसर है और मैं इस क्षेत्र में ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के पद पर पदस्थ हूँ। सर, बताएंगे कि जो यहाँ पे ग्रामीण लोग जो सुगंधित उत्पादन चावल उत्पादन कर रहे हैं, कितने क्षेत्र में कर रहे हैं और पिछले वर्ष कितने का उत्पादन हुआ था इसमें? यहाँ लगभग 150 एकड़ सुगंधित चावल का उत्पादन हो रहा है 150 एकड़ में, और पिछले वर्ष 1500 क्विंटल का उत्पादन हुआ था, इस बार अधिक हुआ है। कैसे इसकी पैकिंग यहाँ करते हैं, उसको कैसे विक्रय करने का प्रयास करते हैं? पैकिंग तो समूह द्वारा ही किया जा रहा है, इसमें हमारे विभाग का विशेष सहयोग है। पैकेजिंग के लिए यंत्र दिया गया है और मिलिंग के लिए मिनी राइस मिल कृषि विभाग द्वारा उपलब्ध कराया गया है। ग्रामीण यहाँ स्वयं पैक करते हैं, और मार्केट तक किस प्रकार से पहुँचाने का प्रयास किया जाता है? मार्केट से आते हैं, ऐसे डिमांड होता है, इनके फोन द्वारा करते हैं, या कहीं कहीं स्टॉल जैसे राजस्व में भी लगाए थे कोरबा, वहाँ भी लगाए थे स्टॉल, वहाँ विक्रय किए हैं। क्षेत्र में और लोग इससे जुड़े, इसके लिए क्या प्रयास किया जा रहा है अभी आपके तरफ? क्षेत्र में जुड़े यहाँ लगभग आसपास में और जैविक खेती होता है, तो समूह के माध्यम से उनको भी जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, ये उनका चावल भी इनके द्वारा खरीदा जाए और अपने समूह के माध्यम से विक्रय किया जाए मार्केट में। परिचय दे दीजिए। मेरा नाम सर तानक रामलाल कंवर, ग्राम तानाखार। हमारा जो समिति जो बना है वो मतलब मान गुरु जैविक खेती के नाम से जाना जाता है, और उसमें हमारा कस्टमर बनाया गया है, क्लस्टर मतलब 150 किसान लोगों को, और हमारा जो सदस्यगण है अध्यक्ष उपाध्यक्ष है ना, हमारा 10 हैं समूह में, और
हम जैविक सुगंधित खेती कर रहे हैं, चीनी शक्कर विष्णु है ना, और राम जीरा ऐसे टाइप के चमटे वगैरह का पूरा सुगंधित में लिए हैं सर। कितने किसान मिलके इसमें खेती कर रहे हैं सुगंधित, और कब से कर रहे हैं आप लोग? हमको सर ऐसे तो 2-3 साल हो गए, हो चुका है इसमें 2017 से। कितना उत्पादन हो जाता होगा और किस टाइप उसको विक्रय करते हैं आप लोग, पैकिंग कैसे करके बेचते हैं? अब उसको 10-20-25 का पैकिंग करते हैं सर, और उसको रेट है उस समय, अभी तो हम 85-90 के रेट में दे रहे थे अभी राजस्थान उस समय गए थे तो, और उसको मांग तो और अभी बढ़ने की ये है, कह रहे हैं कि 100 रुपये से कम नहीं होंगे, 100 रुपये ऐसे टाइप का उसमें रखे हैं रेट। खेती करने के पीछे आप लोग उद्देश्य कैसे कैसे मन में आए कि इसकी खेती सुगंधित चावल की खेती करनी चाहिए? है ना, हाँ, सुगंधित खेती करने का मन विचार कैसे आया? तो इसमें परंपरा है, जैसे कि हमको खाने पीने मतलब ऐसी जो पहले का परंपरा से खेती हो रहे हैं, है खरपतवारों से, गोबर खत्ता से, है ना, ऐसे टाइप के उसमें हमको लगा कि जीवन के लिए थोड़ा सा वो मतलब समस्या, कुछ दुख दर्द में मतलब बीमार उमार पड़ेंगे और खाए में मतलब इसमें अच्छा लगे, स्वास्थ्य अच्छा रहे, ऐसे टाइप का उसको सोचा था सर। अभी के जितना भी है तो सब उर्वरक द्वारा तैयार की जा रही है, अभी की जो खेती है ना, तो उसमें हमको एक सोच बनाया था इसमें, है ना, कि सुगंधित धान किसको बनाया जाए या रखें। आप लोग अभी उत्पादन तो कर रहे हैं, पर तो अभी आपको एक मार्केट की ज़रूरत है, क्या विचार बनते हैं किस प्रकार से मार्केट आप लोग चाहते हैं? तो शासन से जो भी हमारा जो कृषि विभाग वाला हमारे आरियो द्वारा मतलब जिला स्तर से हो जाता तो अच्छा रहता सर हम लोगों को, और एक मतलब वो क्या बोलते हैं हमको एक गोदाम है ना, मिलिंग बस ऐसे हो जाता तो हमको बहुत अच्छा रहता सर, चलाने में हमको दिक्कत नहीं होता, मार्केटिंग भी अच्छा हो जाता और किसानों को जो लाभ भी मिल सकता सर।